मैं विनोद कोठारी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। आज हम सर्वेक्षण प्रथम C204 का Unit 3 कंपास सर्वेइंग में कंपास सर्वे में कंपास के बारे में एवं उसमें कुछ जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बियरिंग और एंगल्स। बियरिंग और एंगल्स, दिक्मान और कोण किसको कहते हैं? बियरिंग ऑफ ए लाइन इज इट्स डायरेक्शन रिलेटिव टू ए गिवन मेरिडियन। अ मेरिडियन इज एनी डायरेक्शन सच एज ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड आर्बिट्री मेरिडियन। मेरिडियन तीन प्रकार के हम इसको डिफाइन करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और आर्बिट्री मेरिडियन। सबसे पहले ट्रू मेरिडियन किसको कहते हैं? द मेरिडियन थ्रू अ पॉइंट इज अ लाइन इन विच अ प्लेन पासिंग दैट पॉइंट एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इंटरसेक्ट विथ सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ये हुआ है कि एक तो जो है कि आपके पास हो रहा है, प्लेन नॉर्थ और साउथ पोल्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो वो पास हो रहा है। दूसरा ये कि प्लेन पास हो रहा उस पॉइंट से जिस पॉइंट से हमको लाइन की हमको ट्रू मेरिडियन चाहिए। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन के उस पर हम कहेंगे उसको ट्रू मेरिडियन कहेंगे। सेकंड होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन थ्रू अ पॉइंट इज द डायरेक्शन शोन बाय अ फ्रीली फ्लोटिंग एंड बैलेंस्ड मैग्नेटिक नीडल। कि यदि मान लो हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल को हम फ्रीली हम किसी धागे में उसको लटका देवे और उसको बैलेंस्ड बैलेंस्ड यानी कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करे, तो उस केस में जो वो डायरेक्शन बताएगा वह मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। तीसरा होता है आर्बिट्रेरी मेरिडियन। आर्बिट्रेरी मेरिडियन इज एनी कन्वीनियंट डायरेक्शन टुवर्ड्स अ परमानेंट एंड प्रोमिनेंट मार्क। आर्बिट्रेरी मेरिडियन हम क्या करते हैं कि कई बार जब हमको कोई सर्वे करनी होती है तो हमको बियरिंग चाहिए होती है, तो बियरिंग को हम मेरिडियन के सापेक्ष हम उसके रेफरेंस में हम रिलेटिव से सापेक्ष में हम उसको ज्ञात करते हैं। तो उस केस में हम कोई मैग्नेटिक मेरिडियन आर्बिट्ररी हम मान लेते हैं कि उसको किसी प्रोमिनेंट पॉइंट से या उससे पास होने वाली रेखा को, उस जिस बिंदु पर हमको ज्ञात करना रेखा का, तो उस बिंदु से किसी प्रोमिनेंट पॉइंट के से गुजरने वाली रेखा को हम मैग्नेटिक आर्बिट्ररी मेरिडियन मान लेते हैं। अब ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग, द ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन इज द हॉरिजेंटल एंगल विच इट मैक्स विद द ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन के साथ जो हॉरिजेंटल एंगल जो लाइन बनाती है वह उस लाइन की ट्रू बियरिंग कहलाएगी। इसी प्रकार से मैग्नेटिक बियरिंग, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज द हॉरिजेंटल एंगल विच इट मैक्स विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। कि मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ किसी भी रेखा का बनाया गया हॉरिजेंटल एंगल वह उस रेखा की मैग्नेटिक बियरिंग को दर्शाता है। तीसरा आर्बिट्रेरी बियरिंग। आर्बिट्रेरी बियरिंग ऑफ ए लाइन इज द हॉरिजेंटल एंगल विच इट मैक्स विथ एनी आर्बिट्रेरी मेरिडियन। जिस तरीके से हमने जो भी कोई आर्बिट्रेरी मेरिडियन माना है उसके साथ जो हॉरिजेंटल एंगल जो रेखा बनाएगी वह उसका आर्बिट्रेरी बियरिंग कहलाएगा। अब नाउ बियरिंग का डेजिग्नेशन, कि बियरिंग को हम किस तरीके से दर्शाते हैं। बियरिंग को हम दो प्रकार से दर्शाते हैं, एक कहलाता है होल सर्कल बियरिंग सिस्टम और दूसरा कहलाता है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। होल सर्कल बियरिंग सिस्टम और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में अंतर क्या होता है कि मान लो हम ये चार डायरेक्शंस होती है हमारी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो उस हिसाब से यदि हम मान लो इसका ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ को शो कर दें तो जो भी बियरिंग होती है वो हम नॉर्थ के सापेक्ष यदि हम नापते हैं, एंगल पढ़ते हैं, तो वह उसका होल सर्कल बियरिंग कहलाती है। यानी मान लो सपोज कोई लाइन हमारी ओ ए जो नॉर्थ और ईस्ट के उसमें कहीं क्वाड्रेंट में है, तो उस केस में जो बियरिंग होगी वह बियरिंग उसकी नॉर्थ से सापेक्ष में हम नापते हुए उसको हम ज्ञात करेंगे तो वह हमारी बियरिंग हो जाएगी, होल सर्कल बियरिंग। यदि मान लो ईस्ट और साउथ के उसमें कोई रेखा है तो वो उस रेखा की भी अगर नॉर्थ से हम उसको मेजर करते हैं एंगल, तो वह उसका होल सर्कल बियरिंग होगा। इस प्रकार से नॉर्थ के सापेक्ष ही जो भी हम लाइन की बियरिंग हम मेजर करते हैं वह बियरिंग हमारी कहलाती है होल सर्कल बियरिंग। और क्वाड्रेंटल बियरिंग में
क्वाड्रेंटल बियरिंग में हम इसको चार क्वाड्रेंट में हम डिवाइड कर देते हैं, लेकिन जो हम बियरिंग नापते हैं वो या तो नॉर्थ से या साउथ से। तो नॉर्थ या साउथ से नापते समय हमको उस तरीके से उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि वह किस क्वाड्रेंट में है। जैसे मान लो सपोज ये लाइन ओ है हमारे नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम इसका जो एंगल अगर मान लो थीटा वन है तो हम इसको लिखेंगे नॉर्थ थीटा वन ईस्ट। इसी प्रकार से यदि कोई लाइन ओ बी हमारे साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है तो हम, और मान लीजिए एंगल ये अगर थीटा टू है तो उस केस में इसकी जो क्वाड्रेंटल बियरिंग हम जो लिखेंगे वह साउथ थीटा टू ईस्ट लिखेंगे। इसी प्रकार से इसकी हम साउथ थीटा वेस्ट, और ये लाइन नंबर फोर जो है ओडी इसको हम दर्शाएंगे नॉर्थ थीटा वेस्ट। तो इस तरीके से हॉल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और इसका हमारे आगे कई जगह उपयोग होता है कि कई बार हमको हॉल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, कई बार हमको क्वाड्रेंटल बियरिंग को हॉल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो हम प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन शोन बाय द नीडल एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या हम जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को हम कहते हैं कि जो कि हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन के हॉरिजेंटल एंगल ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है वह मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाता है। कि जैसे ये ट्रू मेरिडियन है, ये दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, और इसके बीच का ये जो हॉरिजेंटल एंगल है थीटा ई, तो यह हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाएगा। अब इस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को हम ईस्टर्न या पॉजिटिव या वेस्टर्न या नेगेटिव भी हम कहते हैं। कि यदि मान लो इफ द मैग्नेटिक मेरिडियन इज टू द ईस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन, डिक्लिनेशन इज सेड टू बी ईस्टर्न और पॉजिटिव। कि यदि मान लो इस मैग्नेटिक मेरिडियन का डिक्लिनेशन ईस्ट की तरफ है, ट्रू मेरिडियन से ईस्ट की तरफ है, तो यह ईस्टर्न और पॉजिटिव कहलाएगा। और यदि मैग्नेटिक मेरिडियन का डिक्लिनेशन उस वेस्ट की तरफ है तो वह उस समय यह नेगेटिव मेरिडियन या वेस्टर्न मेरिडियन कहलाएगा। अब डिटरमिनेशन ऑफ ट्रू बियरिंग। ऑल इंपॉर्टेंट सर्वेज आर प्लॉटेड विथ रेफरेंस टू ट्रू मेरिडियन। कि जितनी भी इंपॉर्टेंट सर्वे होती है वह हम उसके ट्रू मेरिडियन के रेफरेंस में ही हम उसको प्लॉट करते हैं। सिंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉन, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन का हमको जिस भी प्लेस पर है हम उस जगह पर टाइम पर हम जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसका हमको नाम जानकारी है। द ट्रू बियरिंग कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑब्जर्व मैग्नेटिक बियरिंग। कि जो मैग्नेटिक बियरिंग हमने ज्ञात की है उस मैग्नेटिक बियरिंग के आधार पर हम उसकी ट्रू बियरिंग की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन जैसे हमने यहां पर ये दर्शाया है कि अगर मान लो ये ईस्टर्न है तो यहां पर ये प्लस डिक्लिनेशन हो जाएगा, और वेस्टर्न है तो ये माइनस डिक्लिनेशन हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी लाइन की ट्रू बियरिंग याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन एंड डिक्लिनेशन। ये हमारे कैलकुलेशंस के लिए आवश्यक रहता है। अब हम बात करते हैं लोकल अट्रैक्शन की। कि लोकल अट्रैक्शन जब हम कंपास सर्वे करते हैं तो उसमें कई बार हमको कुछ ये प्रॉब्लम आती है कि जो हमारी नीडल डेविएट हो जाती है, और उस कारण से तो वो लोकल अट्रैक्शन कहते हैं किसको है और किस तरीके से इसको हम इसके दूर करते हैं, ये सब हम अभी डिस्कस करते हैं। लोकल अट्रैक्शन इज अ टर्म यूज टू डिफाइन एनी इन्फ्लुएंस सच एज मैग्नेटिक नीडल मे बी अट्रैक्टेड एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम इंडिकेटिंग द ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन इन अ लोकेलिटी। यदि जैसे मान लो हम सपोज सर्वे कर रहे हैं और हमारे मैग्नेटिक नीडल बहुत अधिक डिस्टर्ब हो रही है, तो उस केस में हमें यह पता लगाना होगा कि यह मैग्नेटिक नीडल इतनी अगर अगर वो मूव करती है तो इसका मतलब वो वहां पर कोई लोकल अट्रैक्शन है।
अब लोकल अट्रैक्शन हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं. सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ लोकल अट्रैक्शंस आर मैग्नेटिक इन द ग्राउंड, जो है आपका जो ग्राउंड है उसमें किसी तरह की मैग्नेटाइट है उसमें, या फिर वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, की जो हमारे बिजली की लाइन होती है वह भी मैग्नेटिक करंट इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, वह उसके कारण से भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो वो उसके कारण से भी यह मैग्नेटिक नीडल अट्रैक्ट होती है. या स्टील स्ट्रक्चर्स है तो उससे भी हमारा ये लोकल अट्रैक्शन की कैटेगरी में आएगा. या अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स एक्सेट्रा, कि यदि बहुत ही सेंसिटिव हमारा इंस्ट्रूमेंट है तो उस केस में यदि कोई हमारे पाइपलाइन जा रही हो लोहे की जमीन के नीचे, तो उसके कारण से भी हमारा डेविएट हो सकता है नीडल हमारी. डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन, अब इसको हम कि ये कैसे पता करेंगे कि हमारे लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है, तो इट कैन बी डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग द फोर एंड बैक बियरिंग्स ऑफ ईच लाइन एंड फाइंड इट्स डिफरेंस. इफ द डिफरेंस बिटवीन फोर एंड बैक बियरिंग्स इज 180 डिग्री, इट इज एज्यूम डेट बोथ द स्टेशन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन. इफ द डिफरेंस इज अदर देन 180 डिग्री, द लोकल अट्रैक्शन एग्जिस्ट एट वन और बोथ द स्टेशंस. कि मीन्स कि अगर मान लो हमारे लोकल अट्रैक्शन आया तो हम पता कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम जिस भी लाइन की बियरिंग ले रहे हैं उसकी लाइन की बियरिंग हमारे फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों होती है. फोर बियरिंग होती है कि मान लो सपोज हम लाइन ए बी की हम बियरिंग ले रहे हैं, तो ए पर हम कंपास रख के अगर यदि ए बी की बियरिंग लाइन लेते हैं बियरिंग लेते हैं तो वह कहलाती है हमारी फोर बियरिंग. और यदि हम उसको बी पर रखकर जब हम ए को साइड करते हुए बियरिंग लेते हैं तो वो बी ए की तो फोर बियरिंग कहलाएगी, लेकिन ए बी की वो बैक बियरिंग कहलाएगी. तो ए बी की बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री होना चाहिए. यदि 180 डिग्री नहीं है तो देयर मे बी सम लोकल अट्रैक्शन आइदर और पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो वो हम फिर ज्ञात करते हैं कि उसमें किस बिंदु पर है. तो अब इसका जो लोकल अट्रैक्शन को एलिमिनेट करने का जो तरीका है वो हम एक्सरसाइज करेंगे, तब उसको हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. अब नाउ जो ये कंपास जो होता है वह मैग्नेटिक कंपास होता है, तो थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक कंपास क्या होती है कि मैग्नेटिक कंपास गिव्स डायरेक्टली द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन्स. द मोस्ट एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास आर, कि जो हमारा मैग्नेटिक कंपास होता है वो हमको डायरेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग देता है किसी भी लाइन की. अब मैग्नेटिक बियरिंग में मतलब मैग्नेटिक कंपास में क्या क्या होती है चीजें. मैग्नेटिक नीडल होती है जो कि हमारे मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टेब्लिश करती है. एक लाइन ऑफ साइट होती है जो कि हमारे दूसरे एंड पर जो लाइन है उसको हमको साइट करने के लिए काम में लिया जाता है. अ ग्रेजुएटेड सर्कल टू रीड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन्स, कि जो ग्रेजुएटेड सर्कल होता है उसमें हम एक्चुअली वो उसका मैग्नेटिक बियरिंग पढ़ते हैं, हम एंगल पढ़ते हैं. और कंपास बॉक्स टू हाउस द अबव पार्ट्स, और एक बॉक्स होता है गोलाकार बॉक्स होता है उसमें ये सारी चीजें मैग्नेटिक नीडल और लाइन ऑफ साइट ग्रेजुएटेड सर्कल है और ये सब उसमें रहता है, और ऊपर उसमें कांच होता है. अब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड डेप्थ, चूंकि हम ये जानते हैं कि अर्थ भी एक तरह से एक बहुत पावरफुल मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट होने के कारण से इसमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो हमारा जनरली जो रन करता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ करता है, और नियर द इक्वेटर के जहां पर हमारा इक्वेटर होता है वहां पर ये पैरेलल हो जाते हैं अर्थ की सरफेस के. और द एंगल विच दीज लाइंस ऑफ फोर्स मेक विथ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप, कि ये जो एंगल होता है उसके फोर्स के लाइंस का और हमारे उसके सरफेस का, तो उसके बीच का जो एंगल होता है वह कहलाता है हमारा डिप कहलाता है. अब नाउ प्रिज्मेटिक कंपास दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिज्मेटिक कंपास होता है और दूसरा सर्वेयर्स कंपास होता है. प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर्स कंपास की एक बार मैं थोड़ा सा आपको चित्र बता देता हूं जिससे आपको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी. यह
इस प्रकार से यह एक ये चित्र होता है प्रिज्मेटिक कंपास का। इस प्रिज्मेटिक कंपास में ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ये सब चीजें उसमें होती है। अब दूसरा ये जो 2 नंबर बताया हुआ ये निडल है, ये निडल बताई हुई है, और इस निडल के साथ में इसमें ये इसका पिन होती है जिसको हम इस यहाँ से इससे ऑपरेट करके इसको रोक सकते हैं। यहाँ पर एक ये प्रिज्म होता है, इस प्रिज्म में यहाँ से हम आई से हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो हमको रीडिंग मिलती है वो रीडिंग हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। और यदि मान लो हमारे लाइट सनलाइट आ रही हो कुछ इस तरह का हो रहा है, तो यहाँ पर ये कलर्ड ग्लास होते हैं, उन कलर्ड ग्लास को हम यूज करते हुए भी हम काम में ले सकते हैं। ये इधर ये साइट वेन होती है, साइट वेन में धागा लगा होता है बीच में, तो जो हम अगर मान लो जिस लाइन की बियरिंग हमको निकालनी है, तो उस लाइन जैसे मान लो सपोज ए बी की निकालनी है, तो ए पर तो हम कंपास को रखेंगे और बी पर हम एक रेंजिंग रोड रखेंगे, और उसके बाद हम उसको साइट करेंगे, तो हमको जो एंगल मिलेगा वो एंगल हम इस प्रिज्म से डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। और अब सर्वेयर्स कंपास में डिफरेंस ये होता है कि जैसे ये सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है सर्वेयर्स कंपास में, सर्वेयर्स कंपास में प्रिज्म नहीं होता है, इधर से आइसोलेट होता है और इधर ये ऑब्जेक्ट वैन होती है, जहां से हम इसमें से देखते हैं धागे को, और जो रेंजिंग रोड रखी हमने बी बिंदु पर उसको एक साइड पे करके हम उसमें एंगल पढ़ते हैं। अब इनकी क्या कंस्ट्रक्शन क्या होता है वो जरा हम डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रिज्मेटिक कंपास, द मैग्नेटिक नीडल इज अटैच्ड टू द सर्कुलर रिंग, व्हेन द नीडल इज ऑन द पिवट इट विल ओरिएंट इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। केस में ये जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो एक पिवट पे एक बिल्कुल शार्प पॉइंट पर टिकी हुई होती है, और वह उसमें रोटेट करती है, वो मैग्नेटिक मेरिडियन के उसमें प्लेन में रोटेट करती है। द लाइन ऑफ साइट इज डिफाइंड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन एंड द आइसलेट, कि तो लाइन ऑफ साइट जो कहती है वो हमारे अब कहते हैं ऑब्जेक्ट वैन और आई स्लिट के बीच में इमेजिनरी लाइन जो होती है वो लाइन ऑफ साइट कहलाती है। द ऑब्जेक्ट वैन कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल हेयर अटैच टू ए सुटेबल फ्रेम, जो मैंने जैसे बताया, वैन द ऑब्जेक्ट इज साइटेड द साइट वैन्स विल रोटेट विथ रेस्पेक्ट टू द नॉर्थ साउथ एंड्स ऑफ द रिंग। अ ट्राइंगुलर प्रिज्म इज फिटेड बिलो द आई स्लिट 0 डिग्री टू 360 डिग्री रीडिंग इज एंग्रेव्ड ऑन द रिंग, कि जो ये रिंग होती है इसमें 0 से 360 डिग्री का यानी होल सर्कल एंगल्स इसमें लिखे हुए होते हैं, तो हमको जो भी एंगल जब हम प्रिज्म में से पढ़ते हैं तो जो भी एंगल आता है वो डायरेक्ट हमको उसका वो बियरिंग हमको मिलती है। द एडवांटेज ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास इज डेट बोथ साइटिंग एंड ऑब्जेक्ट एज वेल एज रीडिंग सर्कल कैन बी डन साइमल्टेनियसली विदाउट चेंजिंग द पोजिशन ऑफ आई, कि इसमें हमको आई को चेंज नहीं करना पड़ता है, हम डायरेक्ट साइट करते हैं, साइट करने के बाद डायरेक्ट एंगल को रीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म, तो इसलिए इसमें हमको समय कम लगता है। सर्वेयर्स कंपास, सर्वेयर्स कंपास द ग्रेजुएटेड रिंग इज डायरेक्टली अटैच टू द बॉक्स एंड नॉट विद द निडल। इसमें अब अंतर क्या होता है इस मैग्नेट सर्वेयर्स कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास में, कि उसमें नीडल और सर्कल दोनों अटैच होते हैं, और वो सर्कल घूमता है तो नीडल भी घूमती है। इस सर्वेयर्स कंपास में जो ग्रेजुएटेड सर्कल होता है जिस पर ये एंगल्स मार्क किए होते हैं, वह ग्रेजुएटेड सर्कल फिक्स होती है और नीडल फ्री होती है, जो नीडल घूमती है, और उस कारण से हम डायरेक्ट नीडल के पॉइंटर से हम उसमें रीडिंग नोट करते हैं, डायरेक्टली अटैच टू द बॉक्स एंड नॉट विद द नीडल। द ऑब्जेक्ट वैन इज सिमिलर टू डेट द प्रिज्मेटिक कंपास, द आई वैन कंसिस्ट ऑफ ए सिंपल मेटल वैन विथ अ फाइन स्लिट, ये छोटा सा छेद होता है और उसमें एक ये उसको हम कहते हैं आई वैन कहते हैं। द रीडिंग इज टेकन अगेंस्ट द नॉर्थ एंड ऑफ द नीडल बाय लुकिंग वर्टिकली थ्रू द टॉप ग्लास, द रिंग इज ग्रेजुएटेड इन ग्रेजुएट क्वाड्रेंटल सिस्टम हैविंग 0 डिग्री एट नॉर्थ एंड साउथ एंड्स एंड 90 डिग्री एट ईस्ट एंड वेस्ट एंड्स, कि इसमें ये जो रीडिंग्स होती है वो एक तरह से हमारे क्वाड्रेंटल बियरिंग हम लेते हैं। अब नाउ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड डिप,
द अर्थ एक्ट एज ए पावरफुल मैग्नेट एंड लाइक एनी मैग्नेट फॉर्म अ फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रन जनरली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ नियर द इक्वेटर. दे आर पैरेलल टू द अर्थ सरफेस. द एंगल विच लाइन्स विथ दिस लाइन्स ऑफ फोर्स मैच विद द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप और सिंपली द डिप ऑफ द नीडल. द डिप ऑफ द नीडल हम किसको कहते हैं कि जब हम उसको फ्रीली हम उसको लटकाते हैं तो वह उसमें कुछ हमारी झुक जाती है, तो झुकने को हम उसको कहते हैं हम एक तरह से कि डिप ऑफ द नीडल. द एलिवेशन ऑफ दिस लाइन्स ऑफ द फोर्स आर इंक्लाइंड डाउनवर्ड टूवर्ड्स द नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड डाउनवर्ड टूवर्ड्स साउथ इन द साउथ हेमिस्फीयर. द डिप ऑफ द नीडल विल बी जीरो एट इक्वेटर एंड द नीडल विल रिमेन हॉरिजेंटल. कि मीन्स अगर हम नॉर्थ की तरफ हम यदि इसको नीडल को हम लटकावें तो वो हमारे नॉर्थ की तरफ झुक जाएगी, और साउथ की तरफ यदि मान लो हम साउथ साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में है तो साउथ की तरफ वह झुक जाएगी. तो इस तरीके से उसको हम कहते हैं डिप. यह डिप भी हमारे और जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे डिप का भी उसमें कुछ हमारी कैलकुलेशन में उसका हमको ध्यान में रखना होता है. जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब उसको हम ध्यान में रखेंगे. थैंक यू.